नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। शासकीय मान कुंवर कला एवं वाणिज्य शिवशासी महिला महाविद्यालय जबलपुर में वर्ल्ड बैंक द्वारा प्रायोजित एवं स्वामी विवेकानंद प्रकोष्ठ के तत्वाधान में फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत महाविद्यालय के शिक्षकों व कर्मचारियों को आपातकालीन आपदा से निपटने व प्राथमिक चिकित्सा का साथ देने से प्रशिक्षण डॉक्टरों द्वारा किया जा रहा है। अचानक आई व्याधियों का सामना करने व पीड़ित व्यक्तियों को अस्पताल तक पहुंचाने के पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए की जानकारी देने की जागरूकता की तारतम्य में चतुर्थ दिवस साइलेंट हार्ट अटैक कार्डियक अटैक सीआरपी के बारे में जानकारी दी। डॉक्टर लीला भलावी अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा जबलपुर संभाग ने इस सामाजिक उपयोगी प्रशिक्षण की प्रशंसा करते हुए आयोजकों को शुभकामनाएं दी। प्राचार्य डॉक्टर रश्मि चौबे ने आज दिए गए प्रशिक्षण को सभी के लिए आवश्यक जानकारी देने डॉक्टर और उनकी टीम को धन्यवाद दिया। प्रकोष्ठ प्रभारी एवं प्रशिक्षक संयोजक डॉक्टर सुलेखा मिश्रा ने अपने उद्बोधन में बताया कि बीती रात एक और युवा की अचानक मौत का समाचार विचलित कर गया। युवा परिचित परिवार का था, हमारे शहर का था। इस दुखद समाचार को लेकर अभी तक सोशल मीडिया पर पोस्ट आ रही है। मौत हार्ट अटैक से हुई या कार्डियक अरेस्ट, कुछ तो रहा ही है। हम दोनों में अंतर ना कर पाते और ऐसी मौत के आसपास रहे लोग किंकृत्य व्यू मूड होकर रह जाते हैं। डॉक्टर तक पहुंचने में जीवन समाप्त हो चुका होता है। कार्डियक अरेस्ट 2 मिनट में जान ले लेता है और इन्हीं 2 मिनट में जान बचाई जा सकती है। हम या आप ही जान बचा सकते हैं। ये हम तब कर सकते हैं जब हम जागरूक हों, जानते हों क्या करना है, कैसे करना है, वरना बाद में कुछ नहीं हो सकता है। प्रशिक्षण प्रदान करें डॉक्टर अथीरा नायर ने बताया कि आप सभी ने एक नाम सुना होगा CPR। ये एक ऐसी तकनीक है जिससे आप हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट आने पर किसी की जान बचा सकते हैं। CPR देने के लिए डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। इसमें घुटनों के बल बैठकर पीड़ित के सीने पर दोनों हाथों से ज़ोरदार प्रहार करते हैं और पूरे ज़ोर से प्रहार करते हैं, लगातार प्रहार करते हैं। यही एक तरीका है जिससे प्राण रक्षा हो सकती है। इसे हम सभी को सीखना होगा, पति पत्नी दोनों को सीखना होगा, घर में हर वयस्क को सीखना होगा। यही एक उपाय है। 2 मिनट का ही समय जान बचा सकता है। इसके बाद डॉक्टर के पास ले तो जाएंगे पर डॉक्टर कुछ कर सकेगा इसकी उम्मीद कम ही होगी। तो आज से, अभी से CPR को लेकर जागरूक होइए। याद रखिए, आपकी जानकारी एक जीवन बचा सकती है। CPR को लेकर व्यापक रूप से जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए। प्रशिक्षण में डॉक्टर नेहा शाह के, डॉक्टर कपिल नेमा, डॉक्टर सविता तिवारी, अन्य प्राध्यापक और छात्राएं उपस्थित रहीं। मैं सुलेखा मिश्रा स्वामी विवेकानंद प्रकोष्ठ की संयोजिका हूँ। वर्ल्ड बैंक के तत्वावधान में हमारे द्वारा एक फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम आयोजित किया गया है जिसका उद्देश्य है प्राथमिक चिकित्सा के लिए लोगों को जागरूक करना। और हम ये 7 दिन का जो आयोजन कर रहे हैं उसमें आज 4th दिवस पर हमने CRP मतलब हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट के बारे में हमने लोगों को जानकारी दी। ना केवल सैद्धांतिक जानकारी बल्कि हमारे यहाँ के सारे साथियों को प्रैक्टिकल प्रायोगिक जानकारी भी दी। हमारा उद्देश्य है कि वर्तमान परिवेश में जबकि कोरोना पुनः दस्तक दे रहा है, ऐसे बहुत सारे चेंजेस हमारी बॉडी में होंगे और उसके लिए हमें अवेयर होकर प्राथमिक रूप से उनका इलाज करना, यही हमारा उद्देश्य है। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। इस बात को ध्यान रखते हुए हमारे डॉक्टर मैडम जो संयोजक है PPP के, उन्होंने इस विषय का चुनाव किया और विभिन्न क्षेत्रों से आने वाली जितने भी हमारे यहाँ चिकित्सक आए हैं उन्होंने व्यवहारिक जानकारी देकर न केवल हमें यह आश्वस्त कराया बल्कि हमें बताया भी कि हम भी छोटे मोटे चिकित्सक हो सकते हैं। क्योंकि दैनिक हमारी दिनचर्या में इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं और इन घटनाओं से हम परिचित नहीं होते, तो क्या त्वरित इलाज किया जाए इस संबंध में जानकारी दी जा रही है। आज का जो कार्यक्रम था CPR वाला, यह कार्यक्रम बेहद बेहद उपयोगी है और इससे न केवल हमें यह पता चला कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसकी जानकारी भी हमको मिली है। तो मैं